आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। मैनचेस्टर में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है सेमीफाइनल खेला जा रहा है, पहला सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है, लेकिन उसमें जो बारिश ने जो बीच में आके जो है वो थोड़ी सी बाधा डाल दी है, लेकिन इस बाधा से भारतीय टीम को फायदा होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जितनी बारिश होगी उतना ही भारतीय टीम को फायदा होगा। फायदा इस सूरत में होगा अगर बारिश पड़ती है और मैच जो है वो देर से शुरू होता है, जैसे कि रेफरी जो हैं वो कई बार जो है पिच का और ग्राउंड का मुआयना कर चुके हैं, उनको अगर लगता है ये मैच रिज्यूम कर सकते हैं तो इस मैच को जो है वो 20 ओवर का बना दिया जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 20 ओवर का बना दिया जाएगा, यानी कि न्यूजीलैंड टीम जो है अब बल्लेबाजी आगे नहीं करेगी। जैसा कि हम जानते थे, न्यूजीलैंड टीम ने जो है वो शुरुआत में बहुत ही हल्की बैटिंग की, क्या हम 10 ओवर को देख लें या पावर प्लेस को देख लें, बहुत हल्के खेले। उनको ऐसा लगता था कि वह इनिंग के एंड में एक्सेलरेट कर देंगे, और रॉस टेलर ने जो है वो एक्सेलरेट करना शुरू भी किया। उनके 5 विकेट गिर गए, लेकिन 46 ओवर के समथिंग अभी गेंदबाजी भारत की तरफ से हुई है और 206 के आसपास का स्कोर है। तो इस पिच पे अगर वो 250 रन बना देते तो भारत के लिए चेस करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि पिच में दौड़ा उछाल भी है और पिच जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है, और हम जान लें कि न्यूजीलैंड के पास जो है वो अच्छी गेंदबाजी है। लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब पड़ रही है बारिश और मैच रेफरी इस बात का फैसला करेंगे कि मैच को जो है वो 20 ओवर का करा दिया जाए, और 20 ओवर का मैच हुआ तो सिर्फ भारत को 140 रन का लक्ष्य मिलेगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सिर्फ 140 रन का लक्ष्य जो है वो भारत को मिलेगा। तो हम इस चीज़ को मान लें कि भारत की इस पावरफुल बैटिंग लाइनअप पे भारत जो है वो 140 रन का जो लक्ष्य है वो बहुत ही आसानी से पार कर जाएगा, और फाइनल में भारत पहली टीम होगी जो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच जाएगी। तो इस खबर के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।